मध्य प्रदेश शासन की कैबिनेट मंत्री श्रीमती उषा ठाकुर ने जैश संगठन को देशद्रोही संगठन बताया है, जिसे लेकर पूरे प्रदेश में जैश ने जमकर विरोध किया तो कहीं पुतले भी फूके गए। धार जिले के कुक्षी तहसील के बाग में विजय स्तंभ पर जैश आदिवासी समाज के युवाओं द्वारा एकजुट होकर आदिवासी समाज की आवाज़ को दबाने वाली उषा ठाकुर का पुतला दहन कर एट्रोसिटी एक्ट के तहत FIR दर्ज कराने को लेकर आवेदन दिया है। बाग से संजय देवपाले की रिपोर्ट। ज्ञापन दिया गया हमारे आदिवासी समुदाय का, जो जय संगठन कोई अलग नहीं है, जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन, जिसको माननीय उषा ठाकुर माननीय मंत्री जी महोदया ने देश का एक बहुत बड़ा हमारे पर आरोप लगाया है आदिवासी समाज पे, जो देशद्रोही का बात कही है कि और आदिवासी समुदाय को हम एक प्लान बनाया है और बहुत जल्दी इनको यहाँ से उखाड़ फेंकेंगे और वहाँ के लोगों को जो बैठे थे उनके सभा कक्ष में, वहाँ के लोगों को भी उन लोगों ने शपथ दिलवाया, नारे लगवाए और हमारे आदिवासी भाई लोगों के खिलाफ इतनी बड़ी साजिश रची है इन लोगों ने, जो आदिवासी को उखाड़ फेंकने की बात कही है जय संगठन को। इसके ऊपर से हम लोग माननीय प्रशासन, पुलिस प्रशासन से हम आग्रह करते हैं, निवेदन करते हैं कि उनके ऊपर कड़ी कड़ी कार्रवाई की जाए और तत्काल हम लोग FIR करवाने की मांग कर रहे हैं। FIR नहीं तो कुछ आगे FIR अगर नहीं करी तो हम लोग उग्र आंदोलन करेंगे। क्या नाम आपका? इस भैरव सिंह नारे जनपद जय संरक्षक बाग। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।